الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء أصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله کربلا تیرے نصیبان و سلام اے زمین کربلا نصیبان و سلام تیرے تے ستے ہوئے سارے شہیدان و سلام سلام
जिस सिद्ध विच सैयदा जैनब ने आ वीरां محترم، میں آپ سب احباب دا تہے دل تو شکریہ ادا کرنا کہ آپ ذکر آل رسول و اصحاب رسول سنن واسطے اپنا وقت نکال کے مسجد وچ تشریف فرما ہوئے۔ کل تو اپنے دوست احباب نو وی نال لے کے تشریف لیاونا، میں انہاں شہر دے لوگاں نو دعا دینا، جامعہ مسجد نور نال منسلک نے یا کسی اور جگہ تو، جڑے گم نام رہ کے آل رسول دی بارگاہ وچ خراج عقیدت پیش کرن واسطے اس محفل پاک دا اہتمام او انعقاد فرما رہے، یا پچھلے 9 دن وی اسی طرح ہی کرن گے۔ اللہ انہاں نوں اور انہاں دے بچیاں نوں برکت عطا فرمائے۔ عزیزم، بندے اس گل تے حیران ہوندے نے جدو سوچتے نے وہ شاہ جی وہ کلمہ پڑھن والے بندے آئے جڑے مولا حسین نال کلمہ پڑھ کے تے اتنی دشمنی رکھ دیا اہل بیت نال، وہ بندے کلمہ پڑھن والے ہیں؟ تو حیران نہ ہویا کرو، اج بھی وہ بندے موجود نے جڑے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام نو خطائے اجتہادی تے سمجھ دے کہ جانا چاہیدا سی نہیں جانا چاہیدا سی، فلاں کرنا چاہیدا سی، ایسا کرنا چاہیدا سی، ویسا کرنا چاہیدا، تو بندے تے وہ ہن بھی موجود نے اور وہ یہ سمجھتے ہیں اپنے تئیں کہ اسی بڑے علم والے ہیں اور ساڈے کول بڑی تحقیق ہے۔ عزیزان محترم، میرے کول کوئی تحقیق نہیں، میرے کول کوئی علم نہیں، میں محدث نہیں، میں مفسر نہیں، نہ میں عالم، میں حضور دی آل نال محبت رکھن والا، میرے کول اے ہی ایک ٹائٹل اور عنوان۔ میرے بھائی، میں ہی انہاں دعوت دیتی سی، انہاں دی مہربانی ہے، پروفیسر ڈاکٹر خادم حسین خورشید الازہری صاحب کہ میری دعوت تے صرف ٹیلی فون تے آپ تشریف لے آئے، میں انہاں دعوت دیتی، انہاں ساڈا مان رکھیا۔ میں تے انج دا بندہ بھی، میں تے اس گل تے اس ویلے اپنے جذبات نوں بڑی کنٹرول کیتا ہے کہ حضرت فضا تے تلوار اٹھی
ते कोई ते कबीले आले हाय ना जी ना आखे बई साडे इलाके दिया हाइया वह भी ते शाहजादियां किसे दियां हाइया ना जिन्हां नूं साढ़े 5000 किलोमीटर सफर दो बारी करना पे हरू भी ते रसूलुल्लाह दी साहबजादियां हैं या पूरे अरब विच कोई कबीला नहीं सी जिहड़ा आले रसूल दे दिफा वास्ते खड़ा हो भाई साहब मेरे वास्ते ते एक गल ही बड़ी सी कि फिजा हबशिया औरत जिहड़ी हबशी कबीले नाल ताल्लुक रखदी सी ओदी हमायत विच ते कोई तलवार उठ गई ओदी हमायत विच ते कोई आवाज बुलंद होई लेकिन ओ शाहजादियां जिन्हां दे बूहे अगे फरिश्ते भी अख नीवी करके लगदे आए उन्हां दरबार विच पेश होना पे मैं ते इत्थों भी यही हासिल कीता मेरे वास्ते ते इह गल ही बड़ी सी भाई साहब मेरे ते मेरी चूंकि मां फातिमा है ना हो सकता है मेरा दर्द तुहाडे नाल अलग होवे मेरा वखरा दर्द होवे हो सकता है लेकिन धीआं बहिणां वाले ओ कुछ इस गल च भी सोचो ते सही कि 5000 किलोमीटर सफर दाता साहब ने लिखे है जिन्ना ऊंटा उत्ते सैयदजादियां सवार आई उन्ना उत्ते पलान कोई ना है उठ नंगे है 5000 किलोमीटर सफर थोड़ा नहीं भाई साहब मेरे जे कमले बंदे ते एक गल ही रुला जांदी असी लंबी तकरीर की सुननी ते की करनी संत यही बड़ा है भाई साहब जिस तहकीक सुननी हो मैं इस तू ही हर आलिम दा खिताब अपने तू पहले रखे और इन सारे उलमा का इंतखाब भी मैं ही किया अपने दोस्तों के मशवरे नाल कि ए भाई बुलाइए मैं पहले रखे है कि मुहक्किकीन और उलमा का खिताब सुन के जेडे जाना चाहते हो टुर जा जेडे पिछे साडे दियां दीवानियां दियां चार गल्लां सुनना चाहते हो बैठे रहो मजबूर कोई ना हो मैं ते कोई ना सुनना पर मैं मना पै गया मजबूर कोई ना हो टुर जान असी पिछे कुछ जिक्र अपने महबूब नबी दी आल दा करना क्योंकि असी सुननी सानू ते निक्किया हुंदिया लोरिया विच ही मौला हुसैन दा प्यार दिता गया भाई साहब लिहाजा मैं आप सब आप दी खिदमत विच गुजारिश करांगा मैं इंशाअल्लाह करबला तो शुरू करना और करबला तक बयान करना वो भावे रबीउल अव्वल शरीफ तक होंदा गया मैं रोजाना यही बयान करना हर रोज मैं इंशाअल्लाह यही बयान करना और पूरी तारीख जो मैन आउंदी जो मैन लगता है बयान करनी चाहिए मैं वो करनी अगर किसी मौली साहब नूं लगता है किसी अलामा साहब नूं लगता है नहीं करनी चाहिए तो अपनी मसीत च ना करना मैं करांगा और आले रसूल दा जिक्र करांगा जिवें मेरा मन चाहेगा और हुजूर दी आल दी मुहब्बत बयान करांगा जिहड़े सुनने वाले होणगे ओह सुन लैणगे बाकी संगियां दी अपनी मर्जी है अल्लाह पाक उन्हां नूं बरकत अता फरमाए हजरात मोहतरम मेरे नबी पाक सरकार आप दी चची जान हजरत उम्मुल फजल हजूर दे चचा हजरत अब्बास दी बीवी ने भाई साहब आपनूं समझ आ गई हजरत उम्मुल फजल जौजा हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब हजूर दी खिदमत विच आईयां अर्ज करदियां ने या रसूल अल्लाह मैं ख्वाब तकिया है कि ख्वाब विच आप दे वजूद दा एक टुकड़ा कट के जरा गौर फरमाना आप दे वजूद दा एक टुकड़ा कट के मेरी गोद विच गिरिया है सरकार मैं परेशान हाँ ख्वाब देखिया कि आप दे वजूद दा टुकड़ा कट गया तो मैं परेशान हाँ हुजूर फरमाया चची उम्मुल फजल आप परेशान ना होवो ख्वाब अच्छी है अल्लाह मेरी बेटी फातिमा नू बेटा अता फरमाएगा
और वो बेटा जेड़ा मेरे वजूद का हिस्सा होगा, जिन्हों हुजूर ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अन मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। सारी जिंदगी लग जाए बंदा एक फजीलत मौला हुसैन दी इयो सोचता रहे कि मेरे नबी ने फरमाया हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। कोई माई दलाल ते सोचे तो सही कि रब दे हबीब ने मौला हुसैन दा रुतबा की बयान फरमाया। जदू असी जिक्र नहीं करांगे तो फिर दूजे करनगे, सुनने वाले फिर उधर जाएंगे। ओ भाई साहब कोई जिक्र करो मेरे नबी पाक दी आल दा। ए अहले सुन्ना आशकां दे दिल दी अलामत है कि आशक दा दिल है जिहड़ा आले मुहम्मद दी मुहब्बत च धड़कदा। सुनिए मुबारक होवे ख्वाब अच्छा है, मेरी बेटी दे घर बेटा होवेगा जिहड़ा तुहाडी गोद च परवरिश पाएगा, तुहाडी गोद च पलेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अजीजा ने मोहतरम इमाम हुसैन आप दुनिया ते तशरीफ लाए, मेरे नबी पाक सरकार ने अपने नवासे नु उठाया, कान च अदान पड़ी। भाई साहब किसे किताब च नहीं लिखिया, मत आखो केड़ी च लिखी ना, ये किसे च ये लिखिया हजूर ने अदान पड़ी, ए जड़ी मैं दे तू मतलब समझाया किसे किताब च नहीं लिखिया। मैं नाल दसदा जावां कि क्या किताब च नहीं लिखिया। कायनात च बड़े बड़े बच्चे पैदा होंदे ने, हर बच्चे दे कान च अदान पड़ी जांदी है। जेड़ा मुसलमाना दे घर पैदा होवे मुमकिन होवे ते अदान पढ़ी जांदी है, लेकिन जिवें मौला हुसैन दे कान च पढ़ी गई है अजान भी बेमिसाल है। क्योंकि हुजूर वैसे भी अजान कदी नहीं सी पढ़ी मस्जिद, हुजूर अजान मस्जिद बकायदा मुअज्जिन के तौर पर रसूलुल्लाह ने अजान नहीं पढ़ी। बाद रवायात है कि हुजूर ने अजान पढ़ी है सफर की हालत, लेकिन उसका मतलब ये कि सुन्नत हो जाए, अजान पढ़ना सुन्नत हो जाए, लेकिन रसूलुल्लाह बकायदा अजान नहीं पढ़ी। और ये बाद आशका ने एक वजह लिखी कि अगर हुजूर फरमाते हैया अलस्सला आओ तो जेडे ना आंदे उन्हों का ईमान खतरे च हो जाता, इस वास्ते हुजूर अजान नहीं पढ़ी। मगर मौला हुसैन दे कान च अजान पढ़ी है। हुण कहना पवेगा कि जिवें दी अजान मौला हुसैन दे कान च पढ़ी गई है, कायनात च किसे होर बच्चे दे कान च इस किस्म दी अजान नहीं पढ़ी गई, तो फिर जवाब आएगा हां भाई अजान भी बेमिसले, लेकिन भाई साहब जरा थोड़ा जहा सफर तारीख का तय करके जाओ, इस अजान के जवाब जड़ी हुसैन नमाज पढ़ी वो भी तो बेमिसले ना। अजान बेमिसल है मानते हैं, मगर नमाज भी बेमिसल और बेमिसाल पढ़ी है। अजान की कोई मिसाल नहीं थे, कायनात च नमाज की भी मिसाल अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक। अजान भी बेमिसाल है, नमाज भी बेमिसाल है। और मेरे हुजूर ने अपने पुत्र ने अपनी जबान चुगुड़ती दी थी। ओ भाई साहब, अरे भाई साहब आप क्या समझोगे इस चीज को कि हुजूर ने गुड़ती दी थी। और गुड़ती क्या दी थी, गुड़ती क्या दी थी, हुजूर ने अपनी जुबान मौला हुसैन दे मुंह च पाई। नहीं गुड़ती गुड़ती नहीं दी थी, दे सकते हो खजूर भी दे सकते हो, हुजूर ने अपनी जुबान मौला हुसैन दे मुंह च दे दी थी गुड़ती दे तौर पे। तो क्या जा सकता है कि नाने दा प्यार है नवासे ना तो दे दी थी ने तो की आंदे हो। देखे जबान वेख जरा, जरा जबान वेख के जबान कौन केड़ी जबान है की जबान है। देखे कुरान फरमांदा है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुहा, यो जुबान है जड़ी वही इलाही तो बगैर हरकत ही नहीं करती।
और मेरे आला हजरत मेरे इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप फरमाते हैं वो जुबान, ये हजूर की जुबान की गल है ना, फरमाते हैं वो जुबान जिसको सब उनकी कुंजी कहें। अरे भाई साहब आपको समझ आई कि ना, बंदे आते हसन के हुसैन जन दिया जवाना के सरदार ने हजूर ने फरमाया, मैं क्या हजूर ने फरमाया तो सच ही फरमाया, ये बड़ी शान है, लेकिन जिन्होंने गुड़ती है कुन की कुंजी नबी ने छी हो भाई साहब पिछे रह की गया जे। आपको समझ आई कि नानकी आए तो बकरा दे गए, दादकी आए तो मझ दे गए, फलाना आया तो मुंदरी पा गया, फलाना जिन्हें जो के होंगे कर जाते हैं, बच्चा पैदा होया किसे पान पाया किसे मुंदरी पाई किसे मझ दी। मैं क्या वाह हुसैन तेरे मुकद्दर, तेरा नाना एडा वड्डा सी उन्हें गुड़ती है कुन की कुंजी तेरे मुंह च दे छड़ी है। ला हुसैन तेरी ते मेरी जबान एक है, हुण भावें तू बोले तो भावें मुहम्मद बोले जो बोलिया होंदा रहेगा। यही वजह अगर किसी करबला के टिले ते खलो के मेरे मुर्शिद हुसैन ने अपने 72 जान निसारा नु फरमाया ना, नजर उठाओ ते जन्नत च अपने महल वेख लो, मैं तुहानूं दे दित्ते ने। अज तक किसी ने नहीं आख्या नहीं दे सकते, जो कि मैं दे सकते जन्नत किसी ने उन्हें पता है ये जबान होए जिन्हें गुड़ती च मुस्तफा दा शीरे मुबारक लुआबे मुबारक लिया हो। भाई साहब सुनिए और समझिए, दुनिया सारे बच्चे ही बड़े करमाले, अल्लाह उन्हां दी मामा दी खैर करे, बल्कि मैं आना जेडे तुसी मौला हुसैन पाक दा पंज तन पाक दा आले रसूल दा जिक्र सुनन आयो तुहाडियां ते मामा ही करमालियां। हां जी करमालियां, रसूलुल्लाह दी हदीस पाक के हरामी बच्चा कदी आले रसूल नाल प्यार कर ही नहीं सकता, हदीस दा मफहूम है। सुनना जरा और ज़हन च भाई साहब बिठा लेना, अल्लाह अकबर कबीरा। अज़ीज़ा ने मोहतरम जिन्होंने रसूलुल्लाह ने अपना लुआब चुसाया है, सारिया मावां दी शान है, पाक मावां दा दुध पीता है तुसी, पर जिन्हें दुध पैदा होके गुड़ती रसूलुल्लाह दी ते दुध सैयदा फातिमा जहरा दा, भाई साहब मैं इत्थे की बयान कर सकना कि उस बच्चे दा की रुतबा है जिन्नू दूध नसीब होया ते फातिमा जहरा दा। भाई ये देश मैं कोई झूठ ते नहीं बोलदा, चलो शुक्र है तुसी भी ये गल समझिए, मैं ये ना आख्या बिल्कुल ही इंजे पे गल्लां गई इंजे नहीं करदा पिया, गल सिर्फ गौर करन दी हुंदी है। हर बच्चा जेनेटिकली अपने बाप का राज होता है, जेनेटिकली हजूर ने फरमाया अलवरा तो सिर लिया भी पुत्र अपने बाप का राज होता है, बाप का ब्लड होता है खून होता है जीन्स होते हैं। भाई साहब खून अली का हो, दुध फातिमा जहरा का हो, लुआब मुहम्मद रसूलुल्लाह दा होवे, कोई अंदाजा कर सकता है हुसैन है कि हाय 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 हाय। अज़ीज़ा ने मन शायर कहंदे मत पूछ के कैसे कोई शाह सकलैन बना, मत पूछ के कैसे कोई शाह, मत पूछ के कैसे कोई शाह सकलैन बना, बशर का नाज नबुवत का नूर ऐन बना, मत पूछ के कैसे कोई शाहे
सकलेन बना बशर का नास नबुवत का नूर एन बना खून अली शीरे बदूर और लुआब रसूल मिले जब ये अनास तो फिर हुसैन बना मिले जब ये अनास तो फिर हुसैन बना। अल्लाह अकबर कबीरा। ए मेरे मुर्शिद हुसैन गल रुकेगी नहीं, ये 10 दिन मुसलसल चलती रहेगी इंशाअल्लाह 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 ये चलती रहेगी और आशिकां दे दिल जिहड़े ने उन्हां च ठंडक पांदी रहे ये बात चलेगी इंशाअल्लाह और दूर तक चलेगी। मेरा अकीदा ये है कि हर सहाबी ये नबी, लेकिन मैं अपने भाई उलमा की ड्यूटी लाई है, तुसी अकीदा अहले सुन्नत बयान करना है। मैं मुहर्रम दे 10 दिन जिहड़े ने सिर्फ मौला हुसैन का तज़किरा कर मैंने ड्यूटी दो तो तुम भाईओ मेरे ये ड्यूटी करो। चलो ड्यूटी सोनी है, ये भी सोनी है भाई साहब। तवज्जो है आप हजरात। अदीदा ने मन बाद रवायात 28 रजब बाद रवायात 4 शाबान बाद 2 यजीद तख्त नशीन होया। जब भेड़े लोग हुक्मरान हो जान तो मुल्की हालात ठीक नहीं रहते, शुराफान डरना चाहिए, शरीफ लोग डरना चाहिए। अदीदा ने मन यजीद तख्त नशीन होया, तख्ते काबिल हो गया, करैक्टर दा अच्छा बंदा नहीं सी। यजीद करैक्टर दा अच्छा बंदा नहीं सी, बिल्कुल यजीद अच्छे करैक्टर दा बंदा नहीं। अदीदा ने मन यजीद नू पता सी मेरे अगे किसे नहीं बोलना, लेकिन कुछ बंदे हैं जिहड़े मक्का ते मदीना च ने जिन्हां दी वजह तो मेरी हकूमत नू खतरा हो सकदा है। अब्दुल रहमान बिन अबू बकर, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, हुसैन इब्ने अली, अब्दुल्ला इब्ने उमर, 4 बंदियां कोल फौरन बैत लो। वलीद गवर्नर ए मदीना सी, लेकिन हजूर दी आल दा मुहिब सी। उहदे कोल खत आया शाम वेले, इमाम पाक के दरवाजे ते हाजिर होया। सरकार मेरे दारुल अमारा ते तशरीफ लियाओ, कोई गुजारिशात करनी है। इमाम पाक ने फरमाया जरा शाम हो लैण दे, मैं आवां। अल्लाह इशा दी नमाज पढ़ के मेरे इमाम तशरीफ लै गए। जदों सरकार तशरीफ लै गए तो उन्हें खत खोल के अगे रखिया कि सरकार है खत ने मुसलसल आ रहे कि जबरन बैत लो, जबरदस्ती बैत लो, ना लैण ते गिरफ्तार कर लो। इमाम पाक ने फरमाया एक रात दी मोहलत दे, मैं सोचना जवाब दे कि मैं किस तरफ जाना। मेरे इमाम घर आए, अपनी भैन नू फरमाया भैन ज़ैनब तैयार हो। ओ वेला आ गया जिदा नाने ने साडे नाल वादा फरमाया, जिदे वास्ते मां सानू तैयार कर दी रही है, हुण दीन बचाण दा वेला आ गया। मेरे इमाम पाक ने अपनी भैन नू हुक्म फरमाया तैयारी फरमाओ। सादात दी तैयारी है, ऐ जिहड़े हुण बंदे मदीने शरीफ जांदे ना, मदीने शरीफ लोग जांदे, वल्ला मैं आशकन वेख्या जदों हुजूर दे रोजे तो रुखसत होंदे ओ पीर नसीरा बेन, ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। ऐ जिहड़े हुण मदीने लोग वैसे जांदे ने 8 दिन रहंदे ने, जदों हुजूर दे रोजे ते आखरी सलाम करदे ने ते रोंदे ने, भाई हाजी साहब की होया जी, आंदे ने सरकार दा रोजा छुटण लगा वे 8 दिन आए वीजे ते। मेरे हुसैन दा बचपन मदीने गुजरिया, जवानी मदीने गुजरी, 56 साल उम्र हो गई, 56 साल लंघ गए मदीने दियां गलियां। नाना जान दे मजार ते
अदीदा ने दी वकार सरकार अपनी बहन नु हुक्म दिता ते आप नाना जान दी मजार ते आ गए। अपने नाना जान दी मजार ते हाजिर हो के अल कर दे ने नाना तेरा हुसैन अज तुहाडे रोजे ते आखरी वारी हाजिर होया। अल्लाह अकबर कुतुब च लिखा है आप नाना जान दी मजार दे कोल बह गए। रात दा वेला मधम मधम रोशनी चल रही है मदीना शरीफ दी मस्जिद च हूद आलम एक हुसैन ते एक हुसैन दा नाना है। अल्लाह राजी हो जाए मेरे नबी दे गुलाम अदीदा ने मन हुसैन पाक वेख्या रोजे दे कबूतर चुप करके हुजूर दे रोजे वल तकदे पए ने। अज नाने ते नवासे दियां गल्लां सुणदे होणगे नाना जान तुहाडे कंधियां ते खेलण वाला अल्लाहु अकबर अज तुहाडे दीन तू कुर्बान होण वास्ते तैयार हो गया है। आप बैठे हुए ने नाने दी मजार दे कोल ते अख लग गई ख्वाब च नबियां दे सरदार दी दीद होई है। मेरे नबी फरमांदे ने हुसैन बेटा तेरा इम्तिहान शुरू होया है लेकिन घबरा न जाई जिस वेले भी मुश्किल खड़ी हुई तेरा नाना तेरे कोल खलोता होएगा। अदीदा ने दी मोहतरम हजरात मेरे मौला हुसैन अपने नाना जान दी मदार तू वापस आए अपनी अम्मी जान दे मदार ते हाजर होए। हर पुत्र अपनी मां दी मदार ते जाए उन अपना बचपन याद आउंदा है। मेरे हुसैन बादशाह अपनी मां दी कबर ते लेट गए मां दी कबर नू सीने नाल ला लिया अम्मा तेरा नादा नाल पलिया होया ओ पुत्र। जदों मौला हुसैन आए ना तो मेरे नबी पाक सरकार रो रहे हो तो फातिमा जहरा पाक पूछया बाबा क्यों रो रहे हो फरमाया बेटा जिब्रील दसिया है कि तेरा पुत्र हुसैन मैदान करबला में शहीद होवेगा। तो फातिमा जहरा कहदियां ने बाबा तुसी नहीं होवोगे बाबा मैं नहीं होवांगी। मेरे हुजूर फरमांदे शायर ने क्या तर्जमानी कीती है ना मैं होवांगा ते ना तू होवेगी ते ना होसी शेर खुदा दा खलीले नबी रोती हो सी जदू तक सी हाल बिरादा कली ने नबी रोती हो सी ते जदू तक सी हाल बिरादा। हजरा तेरी वकार अपनी अम्मी जान की खिदमत चल कर देने अम्मी तेरा नादा नाल भलिया होया हुसैन दीन बचाण वास्ते जा रहा है। हजरा तेरी वकार मैं बड़ी तवज्जो दे ताली पावां गिरामी कदर अहबाब मेरे नबी सरकार दा नवासा जदू टुरिया है अल्लाह अकबर वापस आए ने वेख्या ते भैण तैयारी कीती होई भाई कोई कोई रईस लोग सैयदजादे है जिन्हां दा फकर फखर हा अदीदा ने वकार भैण तैयारी कीती है फेरा अपनी तैयारी कीती है सारे तैयारी करन एक जुमला नोट फरमा लेना। इमाम पाक ने फरमाया ज़ैनब उन्हां बंदियां दा नाम दसो जिन्हां जाणा है जिन्हां नूं नहीं जाणा उन्हां नूं दस दिओ। मेरे पाक नबी दे नवासी दस रही ने फुलां जाएगा फुलां जाएगा फुलां नहीं जाएगा। जदो बीबी सुगरा दीवारी आई इन्हों की शादी हो चुकी सी और अपने शौहर के नाल मौजूद सन लेकिन शादी से सईदा ज़ैनब की भी हो चुकी है। मेरे नबी पाक सरकार दी नवासी फरमाया सुगरा तू नहीं जाना क्योंकि तू बीमार है बुखार नाल तपदी हुई सईदा दी अपने बाबा जान कुल गईया ने बाबा मेनू नाल ले जाओ। किताबा में ऐसा लिखा है मुर्रकी ने लिखिया सुगरा फातिमा फरमादियां ने बाबा अगर सवारियां थोड़ियां ने
दी मैनू सवारी दियो बाबा मैं पैदल टुर जावांगी पर वीरों तू जुदा न करो। अल्लाह अकबर मैं नहीं कहती, अल्लाह अकबर बाबा मैं नहीं कहती मुझे अम्मारी पे बिठा दो बाबा मुझे फिजा की सवारी पे बिठा दो। बाबा नौकरानियां नाल चबा पर बाबा मैं भी नाल जावांगी। फरमाया बेटा तू नाल नहीं जाना। अल्लाह अकबर कबीरा फिर अपने भिरा को भिरा अली अकबर तू ते कदी भैन दी नहीं मोड़ी मैं भी नाल जाने। फरमाया भैना चुप कर जा तकदीर वे तू घर रहना है असी परदेस जाना। हजरत दीवकार जदू सारिया दी तरफों मायूस होइया ते अली असगर दे पगूड़े कोल खलोतिया कोई दर्द वाला है जेड़ा जुमला समझे। फरमादिया ने अम्मी एक बारी असगर से दे जरा लोरियां दे लो। जदू मां हाथ के करन वाली धी वल पुत्र कीता है ते हाथ पीछे कर ले। फरमाया बेटा हुण चुकदी क्यों नहीं। फरमादिया ने अम्मी मैनू बुखार है मेरा वजूद बड़ा गर्म है मेरे भिरा नू गर्मी लगेगी। तारीख तकदीर मुस्कराई नी सुगरा अपने बुखार दी गर्मी तू बचा दिए इने उरमल दा तीर भी चलना है करबला दी तत्ती रेत च सोना है गर्म हवा चलनी है। अल्लाह अकबर जदू सारिया नू टुरिया दियां आले बैठे हो दियां आले हो दियां नू घरों मां बाप टोरन ना ते मां बाप रोंदे ने तुसी देखे होणे जदू दियां नू रुखसत करिए ना ते मां बाप रोंदे दियां नू परदेस गली आप निकाह पढ़ा के अल्लाह अकबर अपनी मर्दी नाल निकाह पढ़ा के अपनी मर्जी नाल समान दे के रिश्ते वेख के धिया नू परदेश गलिए ते रोवी दे। लेकिन इंशाला ए वक्त ना आवे जदू बाबा परदेश जाए धी घर होवे। अल्लाह अकबर मेरे हुसैन बादशाह धी दे सर ते हाथ रखिए तो शायर कहंदे गली गली मदीने दे चीख उठी जदू करबला दा शाह सवार टुरिया टुरिया कोई नी घरां नूं छड़ के वे जिवे फातिमा दा बानवार टुरिया ए ते जिगर हुसैन दा जानदा ए किवें बच्ची नू देके प्यार टुरिया रोंदा होया हुसैन जीशान साहिबी चंद्रे अम्मा दे हुजरे नू मार टुरिया। लोगो जदू आशिक मदीनी टुर दे ने आशिक रोंदे ने अज हुसैन टुरिया है हुसैन भी रोंदा है मदीना शरीफ दिया गलियां रो रही है मदीना शरीफ दे दरो दीवार रो रहे ने इंज लगता है जिवें गुंबद खजरा दी चारों तरफ तवाफ करने वाले कबूतर रो रहे ने इंज लगता है जिवें सरकार दे रोदे नाल टकराण वाली हवा भी चीखो पुकार कर रही है। इंज लगता है जिवें मदीने दे संगरे दे पत्थर ते चिटाना ते पहाड़ रो रहे ने सुबह दी चलदी होई हवा नाल खजूरां दे पत्तर हिलदे ने इंज लगता है जिवें आले रसूल नू विदा कर रहे ने।
اللہ اکبر کبیرہ تا شہر کے دے ٹریا کوئی نی گھرانو چھڑے جیوے فاطمہ دا ماں انوار جدو مولا حسین مدینے نکل لگے سواری تے سوار ہوئے دل تے ہاتھ رکھ کے سنیا جے ایک نظر بھوا کے فرما دے نانا تیرے مدینے دی خیر ہوئے ہر چیز لٹا دیا گا پر تیرا دین بچاوا ایو شرط سی نانے دا دین دے گے او دیان لے جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے بھم جو حسین دیا جی پر نانے دا زندہ اسلام رہ محترم کل دو محرم ہے کل مولا حسین کربلا تشریف لے ہوں گے یعنی دو محرم نو میرے حسین بادشاہ کربلا تشریف لے آئے سکتے انشاءاللہ کل میں اس تو اگے شروع کروں گا اور کربلا تک جاواں گا اللہ کریم اب سب احباب دی اور بندہ اینا چیز دی حاضری قبول فرمائے سارے واسطے ساڈے دوستاں دی طرفوں اہلیہ نے سکھے کی منڈی دی طرفوں دوستاں واسطے لنگر شریف دا اہتمام ہے آپ سب احباب لنگر شریف کھا کے جانا دعا میں شامل ہو الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید یا مولا کریم اپنے محبوب دا صدقہ سب سنگیاں دی حاضری قبول فرما الہی ہمیں دنیا میں کوئی غم نہ ہو پر غم حسین ہمارے دل سے کبھی غم نہ ہو یا اللہ اس قوم والے رسول دا پیار عطا فرما میرے مولا اینا لوگاں نوں حضور دی آل دی محبت نصیب فرما یا اللہ جڑے بھائی آئے نے انہاں دی بھی حاضری قبول فرما جڑے نہیں آئے انہاں تے بھی رحمت اور کرم فرما یا اللہ سارے عاشقاں دی حاضری قبول ہو جائے یا اللہ جو جو دکھ سکھ ساڈے ہیں مالکہ تو جاننا ہے ساڈوں سکھ عطا کر دے دکھ دور کر دے آلے رسول دا صدقہ یا مولا ساڈے سارے گھر تے ساڈے گھراں تے ساڈیاں محلیاں تے ساڈیاں شہراں تے اپنی برکتاں نازل فرما دے حضور دی آل دی محبت حضور دی آل دا پیار نصیب فرما دے اے اللہ اپنے محبوب دا صدقہ کچھ وقت کٹ کے سانو حضور دی آل دیاں گلاں سنن دی توفیق عطا فرما دے صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و اصحابہ و آل بیتہ یا مولا اس تمام محفل دا نذرانہ ساڈے ساریاں دی طرفوں شہدائے کربلا دی بارگاہ چ حضرت مولا عمر پاک سرکار دی بارگاہ چ مولا عمر پاک دے تمام منن والیاں دی بارگاہ عمر پاک دے ساتھی مولا عمر اور حضور دے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نو نظرانہ عقیدت ہے قبول فرما دے صلی اللہ علیہ وسلم